की बात करें 2007 में 40 फीसदी ब्राह्मणों ने वोट किया, 2012 में 38 फीसदी, 17 में 80 फीसदी ब्राह्मणों ने वोट किया था और यहां पर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की बात करें 2014 में 72 फीसदी ब्राह्मणों ने और 2019 में उससे भी 10 फीसदी ज्यादा 82 फीसदी ब्राह्मणों ने वोट किया, जिसके बाद हम सब जानते हैं 14, 17 और 19 का चुनाव किस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत कर आई। ऐसे में संगीत रागी मेरा आपसे ये सवाल है, जितिन प्रसाद चूंकि एक बड़ा चेहरा देश के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन बीते 3 चुनाव, चाहे 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, वो खुद हार रहे हैं। ऐसे में क्या वो खेवनहार बन पाएंगे ब्राह्मण वोटरों के मद्देनजर यूपी बीजेपी के लिए? देखिए, बाय एंड लार्ज यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मण वोट और क्षत्रिय वोट ये नया शिगुफा है। मुझे लगता है कि इस रूप से हम राजनीति को नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने माई कॉम्बिनेशन को, लालू प्रसाद यादव का जो सक्सेस स्टोरी था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बढ़ाया। दूसरी बात, मायावती जी ने जो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें फिर उन्होंने ब्राह्मणों को इंक्लूड किया। वैसे इसके कारण एक जातीय पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई थी, लेकिन जो पिछली दफा जो भारतीय जनता पार्टी की विजय है उसमें जातीय फैक्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा फैक्टर थे जिन्होंने ये जातीय घेरे के, जातीय परिधि को तोड़ दिया था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी 72% ब्राह्मण और 74% राजपूतों के बेसिस पर कोई इतनी बड़ी विजय लेकर के आए। 22 का चुनाव तो योगी जी के चेहरे और उनके कामकाज के आधार पर होना है ना संगीत रागी जी? देखिए, मैं कह रहा हूँ, योगी जी ने बहुत ही अच्छा गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में दिया है। कई बार ऐसा होता है कि सोशल कोएलिशन को लेकर के, सामाजिक समीकरण को लेकर के एक बार र्यूमर चलता है तो हम लोग इसे इसको कहते हैं कि एक